नमस्कार दोस्तों मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेष लगन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम ये जानेंगे कि मेष लगन में सूर्य अगर द्वितीय स्थान यानी सेकंड हाउस में हो तो कैसा फल देगा साथ ही साथ कुछ और ग्रह के साथ जब उनकी युति बनेगी जैसे सूर्य प्लस चंद्रमा की बात कर लें सूर्य प्लस मंगल सूर्य प्लस बुद्ध सूर्य प्लस गुरु सूर्य प्लस शुक्र सूर्य प्लस शनि सूर्य के साथ राहु या केतु तो क्या स्थिति बनेगी किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे मेष लगन की कुंडली का मतलब है कि आपके लगन में आपको एक नंबर यानी कि मेष राशि दिखेगी ये हमेशा ही फर्स्ट हाउस होता है जो हमेशा बताता हूँ मैं ये आपका कॉन्स्टेंटली ये फर्स्ट हाउस होगा आपकी कुंडली का यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो सेकंड है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व मेष लगन में क्या है कि यहाँ पे आपको राशि भी एक नंबर ही दिखेगी है ना एक नंबर यानी कि मेष राशि यानी कि मेष लगन की कुंडली है अगर आप यहाँ राशि के क्रम में चलते हैं तो ये आपका वृषभ राशि है ये मिथुन है ये कर्क है ये आपका सिंह राशि है ये आपका कन्या है ये आपका तुला यह आपकी वृश्चिक या आपका धनु या आपका मकर यह आपका कुंभ और ये आपकी मीन राशि इस तरीके से होगी हाउस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राशि की बात हो रही है तो सूर्य जो है इस कुंडली में सबसे तो पहले देखिए कौन से घर के लॉर्ड हैं तो सूर्य जो है आपके फिफ्थ हाउस के यहाँ पे लॉर्ड बनते हैं सन है ना ये फिफ्थ हाउस यानी कि आपका एक त्रिकोण भाव है जो नेचुरल बेनिफिक हाउस कुंडली में आप कह सकते हैं नाइन्थ हाउस के बाद एक ही त्रिकोण हाउस है फर्स्ट हाउस को भी त्रिकोण बोलते हैं लेकिन फर्स्ट हाउस आपका केंद्र हाउस में भी आता है तो सुर यहाँ पे काफ़ी शुभ घर का लॉड होने के बावजूद आप फिफ्थ हाउस से आप क्या क्या देखते हैं जैसे कि आप एजुकेशन देखते हैं आप अपना चिल्ड्रन देखते हैं आपके पूर्व पुण्य कर्म भी देखते हैं है ना यहाँ से आप लव भी देखते हैं यहाँ से आपकी क्रिएटिविटी भी है यहाँ से आपका इंट्यूशन भी है और यहाँ से आप कुछ हद तक फेम भी देख सकते हैं तो सूर्य त्रिकोण का स्वामी होकर अगर द्वितीय घर में बैठता है सेकंड हाउस सेकंड हाउस आप क्या देखते हैं सेकंड हाउस आपका एकोमुलेटेड वेल्थ है है ना वेल्थ हो गया आपका आपके रिलेटिव्स हो गए आपका आपकी वाणी हो गई कि आप कैसा बोलते हैं है कि नहीं आपका एक तरीके से आइज भी देखा जाता है आंखों को भी आप यहाँ से देख सकते हैं एकोमुलेटेड वेल्थ भी है आपका और कहीं ना कहीं इसको मारक हाउस भी बोला जाता है अब सूर्य यहाँ पे बैठेगा जो कि वृषभ राशि है ना मान ली यहाँ पे सूर्य आके बैठ गया तो राशि से देखा जाए तो कंपेटेबिलिटी नहीं है ये इनकी इनमी साइन है है ना बट फिर भी इस कुंडली के हिसाब से देखें फिफ्थ का लॉर्ड आपका अगर सेकंड हाउस में बैठता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको आपको मान सम्मान खूब मिलने वाला है ना आप कहीं ना कहीं किसी उद्यम यानी किसी फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं आप गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पर हो सकते हैं और आप अपने कुटुंब में अपनी फैमिली में काफ़ी एक, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपका एक रुतबा हो सकता है कि नहीं आप शुभ कार्यों में ज़्यादा खर्च करने वाले होंगे और पुराने ज़माने की बात करें तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे घोड़े वाहन है ना आप हाथी ये सब आपके बाहर खड़े होकर आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे आज की डेट में आप कह सकते हैं कि लग्जरी गाड़ियाँ होंगी आपके पास है ना पैसा आपके पास एकोमोडेटेड होगा तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आपके ऊपर अगर इसका प्रभाव का बात करें तो आप आप काफ़ी स्ट्रांग दिखेंगे है ना और आपका भाग्य जो है आपके प्रथम पुत्र यानी कि अगर आपको संतान हो जाती है और पुत्र है पहला तो आपका यहाँ से भाग्योदय भी होगा आपकी वाणी एक तरीके से काफ़ी कठोर हो जाएगी क्योंकि सूर्य क्या फायर एलिमेंट है और कहीं ना कहीं राशि से भी कंपेटेबिलिटी नहीं है तो यहाँ आपके आपका जो कम्युनिकेशन है जो आप बोलेंगे वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और काफ़ी जा के लोगों को लगेगा एक तरीके से आपको अहंकार आपके वाणी में साफ झलकेगा है ना कटाच आप करने वाले होंगे हालांकि आप दिल के अच्छे होंगे लेकिन आपकी वाणी की वजह से लोग आपको कम समझ पाएंगे है ना सूर्य की अगर महादशा चल जाती है यहाँ पे तो वो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा धन की प्राप्ति करेगा संतान का सुख आपको मिलेगा ये अच्छी चीज़ें आप उसमें से देख सकते हैं आप बात आती है कि सूर्य वहीं पर है और चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा है ना सूर्य के साथ अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठते हैं अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करूँ तो ये राशि तो ये दो नंबर ही है यहाँ पे सुर आ आ गए प्लस एमओ मून गया है ना तो ये कहने है मतलब सेकेंड हाउस में सूर्य और चंद्रमा की युति हो रही है एक तरीके से तो आपको क्या होगा आपके पुत्र काफी जो है धनवान होंगे है ना आप प्रबल राजयोग कारक चंद्र एक तरीके से सूर्य और चंद्र का एक राजयोग आपको ये प्रदान करेगा कहीं ना कहीं माता से आपको काफी सुख मिलेगा और माता से ही आपको काफी धन की प्राप्ति होगी तो ये चीजें आप सूर्य और चंद्रमा के साथ यहाँ पे देख सकते हैं हालांकि एलिमेंटल मैच नहीं है सूर्य एक फायर एलिमेंट है और मून एक वाटर एलिमेंट है तो कई बार गुस्से में इमोशंस और प्लस गुस्सा ये मिलके एक डेडली कॉकटेल बना सकता है तो उस समय आपकी बानी जो होगी काफ़ी लोगों को ख़राब लग सकती है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें सूर्य और मंगल सूर्य के साथ अगर यहाँ पर मंगल हो जाते हैं है ना सूर्य के साथ यहाँ पर अगर एम हो जाते हैं मार्स तो क्या होगा सूर्य मंगल दोनों एक तरीके से फायर एलिमेंट है और मंगल यहाँ लगन का लॉर्ड है सूर्य यहाँ फिफ्थ का लॉर्ड है तो ये सेकेंड हाउस में बनने वाला प्रबल राजयोग राजयोगकार आप कह सकते हैं पैसा बहुत कमाएंगे लेकिन आपको मेहनत खूब करना पड़ेगा है ना एक तरीके से राजा और सेनापति की जोड़ी यहाँ बैठी है तो काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉम्पिटेबिलिटी होगी जो पैसा आप कमाएंगे उसमें आप बड़े इंटेलिजेंटली उससे उसको इन्वेस्ट करेंगे और कभी आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि दोनों कॉम्पिटेबल है लगन का लॉर्ड है आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पैसे को मैनेज कैसे वेल्थ मैनेजमेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं काफी अच्छा यहां पे रहने वाला है अब हम बात करते हैं सूर्य और बुद्ध की सूर्य बुद्ध की बात होगी तो ये एक तरीके से बुद्ध अति योग बनेगा जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आजकल लगभग लगभग सब कुंडलियों में बुद्ध आदित्य योग बनता है लेकिन कुछ घरों में काफी अच्छा होता है कुछ राशियों में अच्छा होता है जैसे यहाँ पे धन का है धन का लॉर्ड है सूर्य और पंचम का लॉर्ड है और मरकरी यहाँ आके बैठा है तो मरकरी क्या है जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके रूप को एक तरीके से फॉलो करता है तो सूर्य यहाँ पे चूंकि पंचम का लॉर्ड है वहां बैठा मरकरी वहां बैठे हैं तो बुद्ध योग ये अच्छा रिजल्ट लेके आएगा कहीं ना कहीं पैसे के हिसाब से अच्छा है लेकिन अब ये धन का जो भी प्लैनेट यहां बैठ रहे हैं सेकंड हाउस में वो एट अपने सप्तम दृष्टि से एट हाउस को जरूर देखते हैं जो कि आपका एक तरह से दुष्टाना है यह हाउस आप आ, कह सकते हैं नेचुरल मेलफिक हाउस बोलते हैं हाउस ऑफ लाइफ इस एक्सीडेंट ऑब्स्टिकल्स है इनहेरिटेंस एक तरीके सीक्रेट्स रिसर्च इनका अगर इसको माना जाता है यहाँ पे इनकी दृष्टि होती है तो वाहन वगैरह चलाने में आपको खास खास करके ज्यादा सावधानी बरतनी होगी स्पेशली तब जब सूर्य के साथ ऐसी कोई राशि आके बैठे जो उनके मित्र नहीं है सूर्य की दृष्टि से चलो मित्र दृष्टि है एट आठ नंबर वृश्चिक राशि है जो मंगल लॉर्ड है इसके तो मित्र दृष्टि तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन बुध यहाँ ऐसे बैठे हैं बुद्ध की दृष्टि यहाँ पे आएगी तो सूर्य और बुद्ध कि जब भी आपका महादशा दशा चले और कोई एक मारक साथ में आ जाए जैसे यहाँ पे सात नंबर है शुक्र आ जाए इसके साथ तो ये प्रबल मारक का योग भी क्रिएट कर सकते हैं खुद अकेले तो कुछ नहीं करेंगे सूर्य हो या फिर मंगल हो लेकिन जब कोई मारक ग्रह उनके साथ दशा में चल जाए ऐसे यहाँ पे शुक्र जो है एक तरीके से सेवंथ हाउस के भी लॉर्ड हैं और सेकेंड हाउस के भी लॉर्ड हैं दोनों ही मारक स्थान माना जाता है तो सूर्य के साथ अगर ये शुक्र आ जाए तो आप कह सकते हैं उस समय आपको थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा का एक्सीडेंट से बच के रहना चाहिए अब बात करते हैं सूर्य प्लस गुरु हो तो सूर्य प्लस गुरु होगा तो गुरु सूर्य क्या होगा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एक त्रिकोण और साथ में गुरु आ जाए जो दूसरे त्रिकोण है नाइन्थ के लॉर्ड कौन है जुपिटर हैं धनुराशि है ये है ना अब यहाँ पंचम का लॉर्ड और नाइन्थ का लॉर्ड यहाँ बैठेगा तो ये भी एक तरीके से प्रबल राजयोग आप कह सकते हैं यहाँ पे बृहस्पति अकेले अच्छा फल नहीं देते हैं सेकेंड हाउस में लेकिन जब किसी प्लान के साथ योग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे उसका उनका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे आपकी वाणी में थोड़ी मधुरता बृहस्पति लेके आएंगे आप चाहे गुस्से भी में क्यों ना हो बृहस्पति का विजडम कहीं ना कहीं आप यूज़ करेंगे और कुछ हद तक जो वाणी की प्रॉब्लम है आपका कम्युनिकेशन जो हार्स आप बोलेंगे उसको जुपिटर यहाँ पर कुछ हद तक बैलेंस कर देगा और कहीं ना कहीं, कहीं, कहीं बृहस्पति एक्सपेंसन का भी कारक है तो सूर्य यहाँ पर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के यहाँ बैठे धन में अच्छी स्थिति है लगन के मित्र हैं वो और बृहस्पति भी जो लगन के मित्र हैं नाइन्थ है भाग्य के लॉर्ड हैं ये मिलकर यहाँ बैठे हैं तो जरूरी धन के मामले में तो आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे यहाँ रिलेटिव्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि आप उनसे अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे अब हम बात करते हैं शुक्र की सूर्य और शुक्र यहां बैठेंगे तो क्या होगा पुत्र मूल योग बनेगा है ना जातक जो है पुत्र द्वारा धन कमाएगा यश व कृति को प्राप्त करेगा इसमें उनका कहीं ना कहीं जो है बच्चों का योगदान ज्यादा होगा एलिमेंटल मैच नहीं है आप आपस में न शेर की मित, मित्रता नहीं है अगर आप बात करें चूंकि ये हाउस जो है शुक्र का ही है तो शुक्र के लिए तो ये अच्छी पोजीशन है है ना अगर आप बात करते हैं वी ई और एस यू सन है ना तो विनस के लिए तो एक अच्छी स्थिति क्योंकि अपने घर में है वो लेकिन चूंकि यहाँ से वो एथ हाउस को देखेंगे तो प्रबल मारक का काम करेंगे जब भी उनकी दशा आएगी उस समय आपको बच के रहना है हालांकि सूर्य के साथ अगर ये दोनों साथ में है तो आप ये मान के चलिए जैसा मैंने बताया पुत्र से आपको धन का कहीं ना कहीं योग बनेगा पुत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी यह आकृति आपको अपने बेटे की वजह से मिलेगा आपके लिए स्थिति उतनी अगर इंडिविजुअल आपकी बात करें तो ये अच्छी स्थिति नहीं है कि सूर्य और शुक्र की महादशा चल रही सूर्य के शुक्र सु, की महादशा चल गई सूर्य अंतर्दशा में आ गए तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी क्योंकि सूर्य जो है कहीं ना कहीं तुला राशि में जाके नीच के भी होते हैं तो शुक्र से उतनी कॉम्पेटेबिलिटी उनकी नहीं है तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है अब हम बात करते हैं शनि की शनि के साथ जब भी होंगे तो पिता एक तरीके से आप मान के चलिए कि पिता और पुत्र दोनों साथ में यहाँ बैठे हैं और इनमें तो एक तरीके से स्वर्ण इनेमी वाली बात है सूर्य प्लस अगर सेटन है तो कसम खाए हुए दुश्मन है एक तरीके से तो ये कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति नहीं है है ना ये पिता की आपका भाग्य तो जरूर होगा लेकिन पिता के मृत्यु के बाद होगा तो ऐसा कौन चाहता है कि उसके पिता की मृत्यु हो जाए ताकि उसका भाग्यदेह हो तो कहीं ना कहीं कुछ आपको देगा तो कुछ आपसे छीन भी लेगा तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं है यहां भी सूर्य और शनि की महादशा आएगी तो आपके एटथ हाउस पे दृष्टि जो इनकी है ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि मंगल शनि की जो दृष्टि होगी वो मित्र दृष्टि नहीं होगी वृश्चिक राशि है ये आपका वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियन है है ना स्कॉर्पियो का हाउस है मंगल का ही लॉर्ड है तो ये इस लगन के लिए शनि कहीं ना कहीं वैसे भी योग कारक नहीं होते हैं हालांकि टेंथ के 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 हाउस के लॉर्ड है एलेवंथ हाउस के लॉर्ड है उपचय घर के लॉर्ड है हाउस ऑफ ग्रोथ और कर्म भाव के लॉर्ड है लेकिन कहीं ना कहीं लगन के लिए उतने अच्छे नहीं है कर्म भाव के लॉर्ड है या उपचय हाउस ऑफ ग्रोथ का लॉर्ड है कर्म भाव के लिए उतने अच्छे सॉरी कहीं लगन के लिए उतने अच्छे नहीं है अब हम बात करते हैं राहु के राहु के।, के साथ बैठेंगे तो वैसे भी ग्रहण योग बनता है यहाँ भी पिता को कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी उनका पैसे काफ़ी नुकसान होगा अब ये कह सकते हैं कि आपकी बरकत नहीं होगी धन आप कितना भी कमा लें है।, है ना बरकत यहाँ पर राहू आपको नहीं होने देगा यहाँ एक तो चलो सेकेंड हाउस पर है वृषभ राशि में राहु एक तरीके से शुक्र की राशि में आपको ज़्यादा खर्चा तो वैसे भी करवाता है है ना लेजर पे क्योंकि शुक्र की साइन कई साइन एक तरीके से मित्र राशि है राहु की एक तरीके से बट अब ये कह के चलिए कि वो आप को लेजर पे भोग विलास पे ज्यादा खर्च करवाता है साथ में यहां पे सूर्य बैठे हैं तो सूर्य राहु करके यहां पे ग्रहण लगा दिया ग्रहण कहां लगा रहे सेकंड हाउस में तो आपके वाणी की वजह से भी आपको काफी प्रॉब्लम होगी जीवन में और धन आपका कभी बरकत यहां पे राहु नहीं होने देगा और इनकी दृष्टि भी एथ हाउस पर राहू की दृष्टि आठ नंबर की राशि पे एट हाउस पे तो राहू अगेन मंगल कहीं ना कहीं मित्र नहीं है तो जब भी सूर्य और राहु साथ में आते हैं तो आपको थोड़ा बच के रहना और म, अगर खास में शुक्र भी आ गए मान लीजिए राहु के की महादशा है सूर्य की अंतरदशा है और शुक्र की पर अंतर चल जाए तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपके लिए चोट चपेट से आपको बच के रहने की जरूरत है अब यहाँ पे अगर सूर्य के साथ केतु आ जाते हैं है ना ये सूर्य है प्लस आपके केतु बैठ जाते हैं तो इस आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा आपको घमंडी बना देंगे सत्य अब आप, आप जो बोलेंगे ना वो कहीं ना कहीं सच हो जाएगा तो आपको बारह सोच समझ के बोलना है केतु क्या है वैसे भी केतु राहु के बारे में क्या कहा जाता जहां राहु है जहाँ राहू बैठते हैं वहाँ से रिलेटेड आपको आकांक्षाएं देते हैं जहाँ केतु बैठते हैं वहाँ से आपको एक तरीके से डिटैच कर देते हैं तो आप आपको ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा आप कुछ भी बोल देंगे अरे जाने तो जो सोचना है उसको सोच तो इस करके आपको एक तरीके से रिलेटिव से भी दिक्कतें होने लग जाएंगी उनसे भी आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी उनको आपसे प्रॉब्लम होने लग जाएगी और कहीं ना कहीं आपको अपने वाणी पे थोड़ा ध्यान दे देना है कि यहाँ पे आपका बोला गया बात कहीं ना कहीं सच हो जाता है तो आपको स, जो भी बोलना है अच्छे से बोलना है करवा सच सच भी नहीं बोलना है किसी को कर्ज भी नहीं करना है नहीं तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं नुकसान पैदा कर सकता है अब हम बात करने वाले कि मान लीजिए सेकेंड हाउस में अगर आपके सुर हैं तो क्या क्या उपचार आपको करना चाहिए है ना सबसे पहले आ कि मुफ्त का मानना नहीं किसी आप कभी भी मुफ्त के चक्कर में ना रहे जैसे आपको कोई पार्टी में बुलाए या कहीं दान में कुछ मिल रहा हो तो ये वो चीज़ आपको नहीं लेना है मुफ्त में लिया वो चीज़ आपको काफ़ी नुकसान करने वाला है है ना आप किसी भी धर्म स्थान पे नारियल का तेल या बादाम का तेल जो है आप चढ़ाएं दान करें यह आपके लिए बेहतर होगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का नित जाप करें तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कोई आपको ऐसा लगता है कोई छूट गया हो तो कमेंट कीजिए अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा मेष लगन में सूर्य की स्थिति थर्ड हाउस में बहुत बहुत धन्यवाद आपका